तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इफ फॉर्मूले की कुछ क्वेश्चंस और कुछ आंसर्स जो कि मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्योंकि तो हमने प्रीवियस कुछ क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया इफ फॉर्मूला, और मेरे हिसाब से आपको इफ फॉर्मूला सारा समझ में आ गया और आपने कुछ प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी दिया। लेकिन हम सारे फॉर्मूले के सॉल्यूशन वन बाय वन आपको देते हैं ताकि आप आइडिया लगा सके कि आपने कहाँ पे गलती की है। ठीक है निखिल जी? जी। और इस क्लास की वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, तो यूट्यूब पे अगर आपको इस वीडियो को देखना हो तो आप यूट्यूब के सर्च पेज में आईपीटी इंडिया सर्च कर लीजिएगा तो लेटेस्ट वीडियो आ जाएगा सर, आईपीटी इंडिया। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ इफ कंडीशंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन इफ कंडीशंस में है कि मेरे पास क्वांटिटी है और मुझे कमीशन निकालना कि इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 60 देन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40। तो जनरली इफ से नॉर्मल हो जाता है, जो थोड़ा बहुत इफ जानता है वो भी कर सकता है इसको कि ग्रेटर देन 60 तो हमें क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40। क्या सर इजिली है? जी। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन उठा है कि इसको यूज की विदाउट इफ इसको करके बताइए, तो विदाउट इफ कैसे करेंगे? चलिए हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि हमने लॉजिक स्टार्टिंग क्लास में आपके साथ बोला था कि हम जो है कंडीशंस को डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो उस केस में हमने यहां लगाया कि ग्रेटर देन 60 तो रिजल्ट जो है ट्रू एंड फॉल्स आता है क्या, और एक्सेल में ट्रू इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इक्वल टू 0, राइट। अब कैसे इसको साबित करें? आप दोनों को प्लस कर दें, इसको प्लस फॉल्स को। तो जब प्लस करेंगे तो रिजल्ट 1 आया, अगर आप ट्रू ट्रू करें तो 2 आएगा, एक फॉल्स करें तो 1 आएगा, इट मींस आपका फॉल्स 0 है। समझ गए सर? जी। अब क्वेश्चन यहां पे उठता है तो आगे क्या करें हम इसको? तो मैंने फॉल्स को मल्टीप्लाई कर दिया इसकी क्वांटिटी, मैं जो इसका जो ट्रू फॉल्स रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसकी क्वांटिटी से, तो फॉल्स 0 है तो मल्टीप्लाई होके 0 ही रिजल्ट आएगा ना सर, और ट्रू 1 है तो मल्टीप्लाई होके उसकी क्वांटिटी आएगी, और हर क्वांटिटी को 40 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई बाय 40। तो आप यहां देखेंगे कि वही मल्टीप्लाई होके रिजल्ट आएगा जिसमें हमारा ग्रेटर देन 60 है। क्लियर है जी? अभी इसको इकट्ठा एक जगह लगा लो फॉर्मूला मर्जिंग मेथड इस्तेमाल करके। क्वेश्चन नंबर दूसरा सिंपल है कि अगर ग्रेटर देन 40 है तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है, आप भी लगा सकते हैं कि इफ इसको सिलेक्ट किया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो यहाँ पे पास। तो ये फॉर्मूला इसलिए दिया गया है कि याद रखिएगा जब भी कोई फॉर्मूला आप लगाएंगे तो उसके अंदर किसी तरह का अगर इन्वर्टेड कॉमा है, तो किसी तरह का टेक्स्ट है उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, जैसे कि पास है तो पास को हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है क्योंकि टेक्स्ट है। समझ गए? जी। ओके और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर एरिया, तो ये भी सिंपल है उसी का है, एरिया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 तो यहाँ पे स्टडी हो अदरवाइज लोकल हो, राइट। और तीसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर एमआरपी, जो हमारा एमआरपी है, अगर एमआरपी ग्रेटर देन 500 हुआ, यहां पे कंडीशन देते हैं कि इफ एमआरपी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 तो टैक्स को मल्टीप्लाई करना है 12। तो इसमें एक क्वेश्चन बताने का पर्पस यही है कि आप डायरेक्ट इफ में भी कैलकुलेशन कर सकते हो।
राइट। तो डायरेक्ट इसमें इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है कि ड्यूटी। अब इसमें एक ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम ये है कि इस फॉर्मूले में हम कैसे लिखे कि ग्रेटर देन 10 PM, ये थोड़ा सा लिखना दिक्कत आ रहा है ना सर। तो दो तरीके हैं, खाए तो आप एक सेल को पे लिख दे, उसको सेलेक्ट कर दे, ठीक है। अदरवाइज एक और तरीका है कि इफ इसमें हमने बोला ग्रेटर देन और टाइम का फॉर्मूला लगाएं और इसमें लिखे 22,0,0 24 घंटे के फॉर्मेट में, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना कंडीशन दें। तो ये एग्जाम्पल बताने का पर्पस यही था कि जब भी आपको इफ में टाइम डालना हो तो टाइम को इस तरह से डाल सकते हो। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 तो आई थिंक मैंने बताया ही था आपको जी, कि अगर आपको इसमें है कि आपने इसमें इफ नेस्टेड इफ का फॉर्मूला लगाया और उसमें सब्जेक्ट में पास और फेल देख लिया, या फिर याद होगा अगर मान लीजिए सिर्फ पास और फेल चाहिए तो आप इसमें एंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं और सारा कंडीशन दे सकते हैं। लेकिन इसमें ग्रेडिंग सिस्टम भी मैंने ऐड किया हुआ है कि अगर रिजल्ट पास हो तो इस ग्रेड को फॉलो करें, ठीक है। तो उस केस में यहां पे हम कंडीशन देंगे कि इक्वल इफ, इफ में मैंने बोला कि ए इक्वल टू पास होना चाहिए, ठीक है। तो फिर कंडीशन दे रहा हूं कि इफ अगर टोटल इज लेस देन इक्वल टू 180 तो यहां पे आना चाहिए डी ग्रेड। अगेन इफ हमने इसको सिलेक्ट किया कि अगर ए लेस देन इक्वल टू है 250 तो आना चाहिए सी ग्रेड। फिर कंडीशन दिया इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू है 300 तो आना चाहिए बी ग्रेड। और फिर हमने कंडीशन दिया कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 300 है तो आना चाहिए ए अदरवाइज फेल, ठीक है सर। और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट एंटर प्रेस करें ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में यहां भी हमें लिखना है फेल, सॉरी यहां इन्वर्टर को मैंने क्लोज नहीं किया, और नीचे ड्रैग कीजिए तो आपको फेल और ग्रेड आ जाएगा। क्लियर है सर ये? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम है, तो जो चीज हमने क्वेश्चन नंबर 6 में लगाया है वही चीज को यहां पे फॉलो करना है सिंपल। आई थिंक आप किए होंगे या आपको पता होगा जी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि हमें इंसेंटिव देना है इस स्लैब के अकॉर्डिंग। तो जो क्वेश्चन नंबर आपने 7 में जो कंडीशन इस्तेमाल किया है, जहां पे आपने सी जहां पे आपने बी दिया है, उसी के जगह पे आपको यहाँ पे इसके इंसेंटिव दे देने हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या सर आपने किया था इसको जी। लेकिन इसमें एक और है कि 85-95 होगा एड ऑन इंसेंटिव, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग देना पड़ेगा। इसके लिए आपको एंड का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा कि एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 85 कॉमा लेस देन इक्वल टू 95 ऐसा हो तो यहां पे आ जाए 800 अदरवाइज 0, क्योंकि ये बिटवीन है इसलिए एंड का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर नाइन में हमें एंड और लगाना है, तो आई थिंक ये पता होगा आपको कि हमने एंड लगाया और इसमें बोला कि वाई इज कंपल्सरी, अदरवाइज और लगा देंगे इसमें कि और दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा दैट इज इक्वल टू वाई और हम इसको एंड डाल देते हैं, ट्रू आया। अब ट्रू के भी आप कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन थोड़ा सा पेचीदा है कि हमें इसमें इंसेंटिव को स्लैब नहीं स्लैब इंसेंटिव देना है, मतलब कि इसमें फिक्स नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर एट आपने किया कि यहाँ पे जो करोगे उसी में जो इंसेंटिव फिक्स है, ये इंसेंटिव फिक्स नहीं है, जैसे आपके बिजली का बिल है, इनकम टैक्स है, उसकी तरह से। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे 0 to 40 है तो 20 रुपये पर यूनिट, 41 to 80 है तो 60 रुपये, 80 to 100 है तो 80 रुपीज, और ग्रेटर देन 100 है तो 100 रुपीज पर यूनिट है। तो मैं इसमें तीन तक दिखाऊंगा, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा कि लेस देन इक्वल टू 40 है तो 20 रुपये यूनिट आएगा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 से। फिर और कंडीशन अगला दिया कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है, इसका मतलब क्या है कि वो 40 पार कर चुका है, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस इसको हमने सिलेक्ट करके माइनस किया 40, जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई होगा 60 से। आया समझ में सर? निखिल जी जी। फिर इसमें हमने तीसरा कंडीशन दिया कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है, तो हमने बोला कि 40 तो हम पार कर चुके हैं, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस अगेन 40 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस, फिर हमने बोला कि इसमें से 80 को माइनस करो, जो बचता है वो मल्टीप्लाई बाई 80 रुपीज, ठीक है। इसी तरह से आपका स्लैब बढ़ता जाएगा और इसी तरह से कैलकुलेशन भी बढ़ता जाएगा, आगे कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। उसी तरह से आपका ईबी होता है, इनकम टैक्स होता है, कि इनकम टैक्स से बोलते हैं कि 3 लाख जो है, 3 लाख तक हमारा क्या है, 0 है, 3 लाख टू 5 लाख तक का जो इंसेंटिव है वो हमारा 10% है, और 5 लाख टू 20 लाख तक का जो इनकम है, नहीं 10 लाख माफ कीजिए, 20 नहीं है, 10 है, यहाँ पे 10 है और 20% है, और ग्रेटर देन 10 लाख क्या है हमारा, 30% है। तो अगर आपकी मान लीजिए कि इनकम जो है, नेट इनकम मान लीजिए आपका अगर 4,45,000 है, 4,50,000 है, तो आपका टैक्स कितना होगा। तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 3 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो यहां पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, कोई रुपया नहीं देना है। उसके बाद फिर यहां पे कंडीशन आएगा कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 5 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो क्या होना चाहिए, तो 0 प्लस इसमें से माइनस, 0 प्लस इसमें से माइनस होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, समझ गए। और इस सिलेबस आगे कंटिन्यूस बढ़ता चला जाएगा, तो 15,000 रुपये आपका टैक्सेबल इन होंगे, मैं 1.5 लाख का 10%, समझ गए। इस तरह से आप बिजली का बिल और सारी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। सीट नंबर 10 जो कि मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि क्या है, आप लोग करके देखिएगा।
सीट नंबर 10 में एक क्वेश्चन है कि एक बिल्डर है, पहले स्टोरी समझिए फिर क्वेश्चन समझिएगा। बिल्डर है, वो क्या करता है कि वो फ्लैट बना के रीसेल करता है। तो जाहिर सी बात है, जब वो फ्लैट बनाएगा तो फ्लैट की बुकिंग भी लेगा। जिन लोग लेते हैं ना कि बन रहा है तो फ्लैट बुक करे, तो हम लोग बनने से पहले ही बुक कर लेते हैं, तो बुक करते समय एक बुकिंग अमाउंट देते हैं। तो यही बोलता है कि मैं 5 मंजिले तक का फ्लोर बना तो क्या बुकिंग अमाउंट लेता हूँ, उससे ऊपर की बुकिंग अमाउंट नहीं लेता हूँ, और बुकिंग अमाउंट लेता हूँ 10% ऑफ द MRP। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी बुकिंग करते समय, मान लीजिए कि 25 लाख की फ्लैट है तो 2.5 लाख रुपए में बुकिंग करनी चाहिए, तो किसी कस्टमर के पास 2.5 लाख रुपए नहीं होता है और 1.5 लाख ही जमा किया, तो बिल्डर क्या करता है कि उनको टाइम देता है कि 20 महीने के अंदर में आप अपना 1 लाख रुपए जमा कर दीजिएगा, और आप उसकी बुकिंग एक्सेप्ट कर लेती है। अब होता है क्या है, कुछ कस्टमर ऐसे होते होंगे कि वो 20 महीने तक नहीं देते, क्योंकि 3 साल या 4 साल का प्रोजेक्ट है कि 4 साल में बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, तो 20 महीने तक वो नहीं दे पाता है। तो बिल्डर कहता है कि 20 महीने के बाद जितना महीना आप लेट दीजिएगा उस पर 17% ईयरली इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। स्टोरी समझ में आ गई? अब यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है कि अगर रेट हो गया हमारा 17% ईयरली, फ्लोर होना चाहिए लेस देन 5, बुकिंग अमाउंट होना चाहिए लेस देन ऑफ MRP, और डिफरेंस मंथ होना चाहिए कि जब से वो फॉर्मूला लग रहा है तब से और 20 महीने से ज्यादा। तो जो बुकिंग अमाउंट रह गई है उस अमाउंट का जितने महीना 20 महीने जितना ज्यादा हुआ है उसका इंटरेस्ट निकालना है। तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला लगाया हुआ है, बस आपको फॉर्मूला समझना है या फिर इसे कोई सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है, इसमें हो जाएगा सर। जी तो इसको आप कीजिए, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला की अगली कैटेगरी टैक्स कैटेगरी से। तब तक आप इफ को एक बार एनालाइज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सोल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, जी ओके, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। कोई डाउट या क्वेश्चन है आपको कोई प्रीवियस क्लासेस से या किसी तरह का? नहीं। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।